नीचे का भर जाता है पूरा। बागपत में बहुत सारा कांड हुआ, उसके बाद ही मैंने लिखने का सोच लिया था। उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में वहाँ पर बागपत में महाराज जी मेरठ में रहे, वहाँ पे बड़ा बवाल हुआ था। बागपत मुजफ्फरपुर के आसपास दो दो बार मुझे थाना उठा कर ले गए थे वहाँ भी। हाँ वहाँ थाना उठा कर दो दो बार ले गए, थाना में तीन दिन तक रखे थे। तो खैर वहाँ पर तो मुकदमा कायम नहीं हुआ। तो वहाँ पर जो है वहाँ के जो लोग थे ना, वे बहुत सक्रिय थे हमारे साथ जो थे। यहाँ के लोग उतना सक्रिय नहीं थे। अगर यहाँ के लोग उतना सक्रिय होते तो यहाँ भी मुझे नहीं लगता है मुकदमा कायम नहीं होता। किताब पकड़ लेते हैं ऐसा मतलब कुछ चीज़ें सक्रियता भी थोड़ी कम थी लोगों की, जानकारियाँ भी थी वहाँ। तो वहाँ जो उठा के ले गए थे ना, मुझे जानते जानते लोग जाने तब तक फिर चीज़ें 2004 मुलायम सिंह की सरकार रही होगी, वहाँ जाग सकते बसपा थी, बसपा की सरकार मायावती थी, वो नरसिंह राम था, वही वो कोई मुसलमान मतलब वो दबाव में बसपा की गवर्नमेंट थी। पहले मियाँ कोर्ट प्रधान रहा था, मियाँ था वो प्रधान था बसपा का। वहाँ तो जो मंत्री था ना, अरुण सिंह जी, उसमें मंत्री था जिस जगह पर मैं रहता था ना, नवाब कोकब हमीद। बड़ा मतलब दबंग आदमी था वहाँ पर बागपत का। एक चीज जान लें, वास्तव में ये जो हमारे यहाँ राक्षस की जो परिकल्पना है उसमें एकदम फुलफिल फिट बैठते हैं सब। हम कहें वो मुकदमा बहादुर बिनती पठानन का, उनका विवाद यही है कि बड़ा भाई अपने बेटे के की शादी छोटे भाई की बेटी से करना चाह रहा है, इसलिए कि छोटे भाई की केवल एक बेटी है, तो शादी कर लेगा तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। बात छोटका भैया को तो मंजूर था, उसकी पत्नी को मंजूर नहीं था, वो पुलिस में दीवान है। अब उन दोनों में मारा पीटी सारे है। कल अभी आज वो हाई कोर्ट गया है, उसको भी भेजा हूँ कई मामला। ये वहाँ बड़ी समस्या, वहाँ जो हरी समस्या शादी वाली, अगले बगल करके एक ही परिवार में कुंभ गुटबाजी उनमें भी बहुत ज्यादा, गुटबाजी उनमें भी बहुत ज्यादा है, परिवार परिवार के भीतर खूब पॉलिटिक्स चलता है। लेकिन ये है कि बाहर उनके पास कुछ लुटाने के लिए है नहीं, 20-20 बच्चे होंगे उनके, और वो जितने होंगे वो सब 4-5 साल होते तभी लेके कुछ लेके बैठ जाएंगे, कमाने खाने का बहुत झंझट नहीं है उनके। वहाँ पर तो देखिए, अब तो मैं ये देख रहा हूँ तब तो YouTube वगैरह में जो है ना, मुस्लिम सब बहुत ज़्यादा जो मतलब फतेहस मुस्लिम कह रहे हैं सब तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं खिलाफ में। उस समय जिस वक्त मैं कह रहा था मतलब 96-97 में और वहाँ से लेकर 2004 था, तो उस समय तो बहुत कम लोग कहने वाले थे वहाँ पर। क्या कहेंगे, सीरियस में भी अब तो बोल रहे हैं, अब तो बहुत लोग बोल रहे हैं, अब तो चर्चा TV वगैरह में भी आ रहा है, अब बहुत चीज़ें हैं, अब कुछ स्वीकार्यता अब कुछ आ रही है। महाराज जी, एक भाजपा की सेक्रेटरी राष्ट्रीय स्तर की सचिव थी, उसने फिर कितना ही खर्च कर दिया। ऐसा एक बेटी थी उनकी, मोहम्मद साहब की अंतिम पत्नी की बेटी थी, 10 या 12 साल की, उसको पत्नी बना लिया शायद की कोशिश थे किस मार्ग। ऐसा जो है उनकी उनकी जो है ना पत्नी थी, ऐसा पत्नी थी, हाँ 6 साल की उम्र की शादी की थी, और इस गवर्नमेंट ने भी उसको पद से हटा दिया, नहीं दिख रही है उस समय भी। मैं मतलब अरब संस्कृति की बात करूं तो उसमें वो अबू बकर की लड़की थी आयशा, तो अबू बकर ने उस वक्त विरोध किया था मोहम्मद साहब का, बल्कि मोहम्मद साहब का सबसे करीबी आदमी था वो अबू बकर। हाँ, और उसने कहा कि ये हमारी लड़की बहुत छोटी है आपकी उम्र के हिसाब से, कैसे आप शादी वो करना है। अरे अल्लाह ने मुझे कह दिया है तो सीधे तो फिर अबू बकर मान गया, लेकिन बोला कि ऐसा है कि जब तक ये मतलब जवान नहीं होगी, हाँ तब तक जो है नहीं, हाँ तब तक आप जो है इसके साथ मतलब शादी वो मतलब सो नहीं सकते। तो वो मोहम्मद तैयार हो गया,
लेकिन वो रजस वाला भी नहीं हुई थी, वो सिर्फ 8 बरस की हुई थी। हाँ फिर चिट्ठी आ गई होगी अल्लाह, हाँ अल्लाह की तो चिट्ठी आते रहते हैं। फिर जो है मोहम्मद नहीं माना, तो मोहम्मद तो बहुत एक से एक कांड करते थे ना। उतने कांड करने वाले को आज तक आप धरती पर किसी का उदाहरण नहीं सुने होंगे जितना कांड मोहम्मद ने किया है। अब तो उनकी अब उसकी जो चाची थी है, हाँ तो वो मर गई थी। अच्छा। चाची थी वो मर गई थी और उसको गाड़ भी दिया गया था, वहाँ से लाश निकाल कर उसके साथ बलात्कार किया। सोच सकते हैं ऐसा आदमी था। नहीं ये इसको नहीं लिखा क्योंकि ये कुरान में लिखा है ना, मैंने टंकार में फोकस किया सिर्फ कुरान पर। जो कुरान में लिखा है वो ये कुरान का बात नहीं है, ये मोहम्मद साहब के जीवन की बात है। अब कुरान में मोहम्मद साहब के उपदेश है, मोहम्मद साहब ने जो कहा है ना, जो अल्लाह ने सीधा उनको कहा है वो कुरान है, और बाकी तो हदीस है इसमें मोहम्मद साहब की जीवनी है। तो मोहम्मद साहब के जीवनी में ये सब है कि उन्होंने ये कांड किया। जब लोगों ने पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, कि ये जो है हमारी चाची को जन्नत तब दाखिल हो जाएगी, तब जन्नत, तब सीधे जन्नत में चली जाएगी, उसको जन्नत भेजने के लिए मुझे ये करना पड़ा। जन्नत वो हुआ एक विकृत मानसिकता का, देख नहीं रहे कि विकृत मानसिकता ही बढ़ती है। वो साइकोपैथ था। अच्छा आज भी हैं सब, वो सब भी बच्चे थोड़ा सा बड़े हुए उनके आंसू हो जाता है। ऐसा है ना कि उसमें एक खास बात है, देखिए एक आदमी बुरा हो ना तो चल जाएगा, तो चलो भाई अपने जीवन भर तक ही ना बुराई किया चल जाएगा। लेकिन मोहम्मद ने वो सिस्टम नहीं रखा, मोहम्मद ने ये सिस्टम रखा कि जो जो मैंने किया है यही तुम लोग के लिए आदर्श है, सबको करना है। देखिए मोहम्मद ने ऐसा सिस्टम बना दिया है, एक रावण हो जाए तो कोई बात नहीं है, सबको रावण बनना है ये मजबूरी है। तो उसने कह दिया कि जो है जो मैंने किया है वह करना सबके लिए फर्ज है, हर मुस्लिम के लिए फ़र्ज है कि वो यही करे, हमारे नक्शे कदम पर चले, जो जो मैंने किया वही करना उसका आदर्श है। वो कर पाया नहीं कर पाया ये उसकी बात है, उसकी औकात की बात है, लेकिन करना उसको वही है। जो नहीं कर पाएगा उसे 72 घूरे नसीब नहीं होंगे। कैसे नसीब ना मिले उसको, तो सजा मिलेगी, यातना मिलेगी, जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा, बहुत दोजख की आग में, दोजख की आग में जलेंगे। एक से एक मतलब उसने कांड किया है। उर्दू का मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो आप अखबार पढ़ते हैं महाराज जी की ओरिजिनल उर्दू, और अखबार पढ़ के कोई करेगा? नहीं नहीं अनुवाद मैंने कहा, उर्दू आप पढ़ते हैं? नहीं मैंने अनुवाद पढ़ा हिंदी में और इंग्लिश में, और हमारे साथ एक मुस्लिम ही था जो कि अरबी जानता था, हाँ उससे भी मैं कंफर्म कराता था, वो मुस्लिम ही था लेकिन कम्युनिस्ट था, वो कम्युनिस्ट मैं कहता उतना ये सब मानता उनका नहीं था। तो जान नहीं पाया होगा कि आप नहीं, वो सब जानता था, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले वो सब जानता था, वो खुद ही कहता था कि अरे इतना ये है वो है सब। हाँ तो वो जानता था, वो खुद भी नमाज वमाज नहीं पढ़ता था, जब भी नहीं पढ़ते नहीं, और वो लोग आते थे ना, लेकिन उसमें बड़े बहुत ज़्यादा सख्ती है इस्लाम में, मैं उसके साथ रहा हूँ ना कई महीनों, उसको मुसलमान नहीं मानते, तो उन लोग की जमात चलती है मुसलमानों में, एक जमात चलती है जिसमें कि आ करके हर एक घर में चलते हैं, हर एक घर से एक आदमी को जमात के लिए देना पड़ता है कुछ समय, उसमें ऐसा नियम है, हर घर हर मुस्लिम जो है वो एक बार एक न एक बार जमात में शामिल होगा। जमात में होता क्या है, क्या करते हैं? उसमें क्या है कि एक टोली बन जाती है और वो टोली प्रचार करती है इस्लाम का, तो वो सब मुसलमानों के बीच में जाएगी, उसकी समस्या को भी सुनेगी, क्या नमाज पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं सब जांच करेगी, पड़ताल करेगी, क्या दिक्कत है, कैसे बढ़ सकता है इस्लाम, इस पर चर्चा करेगी। हाँ तो वो हर एक के लिए फ़र्ज होता है कि जमात में शामिल होना अपने जीवन में कभी न कभी, तो हर एक को जमात में जाना पड़ता है। तो जमात की टोली आती थी वहाँ, तो आते थे कहता था उसका नाम आलिम था, आलिम आलिम, अच्छा आलिम, हाँ कहा आलिम तुमको नमाज देख नहीं रहे कभी, मस्जिद में आ नहीं रहे हो, तो उसमें जो है एक सिस्टम है उन लोग में कि नमाज से वही बच सकता है जो बीमार हो, बीमार लोगों के लिए छूट है। तो वो कहता था कि अरे तबीयत खराब हो गई थी ऐसे ऐसे, तो कहा
अभी तो तबीयत तुम्हारी ठीक है, हाँ, तो फिर उसके बाद फिर हाँ कि ठीक है तो तुम इस बार आना, हम लोग साथ नमाज पढ़ना यहाँ पर। तो उस बार भी नहीं गया, तो फिर उन लोग अगली बार टोली आई, अरे अलीम तुम आए नहीं, तुमको बुलाए थे, तो कहा गया वहाँ मैं गया था जामा मस्जिद दिल्ली में, वहीं नमाज पढ़ लिया। हाँ कि नहीं, इस बार तो तुम हम लोग के साथ पढ़ोगे, कहीं नहीं जाओगे। तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। खैर वो चाहे तो वहाँ मुझे वो देखे, उसके यहाँ उनकी नज़र मेरे पर पड़ी, ये कौन है? तो कहे कि महाराज जी हैं। कहे कि महाराज जी हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। हाँ, इसी तरह से अपने करीबी हैं। अच्छा अच्छा, तब महाराज जी चलो आपको नमाज पढ़ा लाएँ। अच्छा अच्छा, हाँ देखिए कितना साहस होता है उन लोगों में। हाँ, हाँ। तो मेरे पास, तो मैंने सोचा कि अब तो तुम मेरे में फंसे हो, मेरे पैर में, आपको पता चलेगा। मैंने कहा कि ये नमाज क्या होती है? हाँ, तो कहे कि अरे नमाज भाई ऊपर वाले के लिए पढ़ा जाता है। मैंने कहा ऊपर ऊपर का ऊपर तो अंतरिक्ष है, ऊपर कहाँ क्या है? हाँ, तो कहा कि नहीं अल्लाह। मैंने कहा अल्लाह तो कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, और वो अल्लाह कहीं ऊपर आकाश में है, वो यहाँ नीचे नहीं है, वो कौन अल्लाह है? हम तो ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो हर जगह उपलब्ध है। हाँ, तुम्हारा अल्लाह तो किसी एक जगह बैठा हुआ है, तो वो अल्लाह तो असली, वो ईश्वर असली ईश्वर नहीं है। तो कहा कि नहीं वो ऊपर ही रहता है। मैंने कहा कि नहीं वो रहता है ही नहीं, क्योंकि जो ऊपर खाली रहता है वो सार्वभौमिक ईश्वर नहीं माना जा सकता ना, क्योंकि एक देशी ईश्वर है वो। तो अब बताओ वो ईश्वर जो महारत्न है जो सब जगह विद्यमान है, दोनों में कौन बढ़िया है? कहा कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा कि तुमको समझ में आएगा भी नहीं, मौलाना वलाना को भेजना। तो उसके बाद फिर वो जो है चला गया, लेकिन ये बात की बात है। हाँ, लेकिन उनको तो उन लोग की नज़र में मैं चढ़ गया। हाँ, वहाँ से उन लोग की नज़र में चढ़ गया, फिर जो है वे लोग मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा। तो एक बार उधर से मैं मस्जिद की तरफ से निकल रहा था, तो वहाँ मुझे बुला लिया सब। हाँ, बहुत सी बड़ी मस्जिद थी, तो वहाँ बुला लिया, और महाराज जरा सुनना इधर। तो मैंने कहा हाँ बताओ क्या बात? अरे जरा आपसे कुछ डिस्कशन करना है धर्म के बारे में। मैंने कहा डिस्कशन कर पाओगे? तो कहा कि हाँ कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कहा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। हाँ, तो मैंने कहा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब संख्या, जनसंख्या में ना है, तो जनसंख्या पैदा करने में है आप लोग। हाँ, तो पैदा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि पैदा करने के लिए तो बुद्धि विवेक और उस ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, नहीं उसके लिए तो काम वासना की ज़रूरत है। तो आप लोग कामुक हैं ये कह सकते हैं, लेकिन कामुकता को हम लोग अध्यात्म नहीं मानते हैं ना। हाँ, उसको तो संसार का मतलब ही वो कर्म मानते हैं, तो वो धर्म का विषय उसको हम लोग नहीं मानते हैं। तो कहे कि जो है आप, आपका ईश्वर क्या करता है? हाँ। तो मैंने कहा कि हमारा ईश्वर ही तो सब कुछ करता है, और कोई कुछ नहीं करता है। तो कहा कि तो आपका ईश्वर आपको नमाज पढ़ा देगा? हाँ। मैंने कहा कि पढ़ा सकता है चाहेगा तो, लेकिन चाह तो नहीं रहा है। वो चाह रहा है कि जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको बताया जाए कि गलत है यह तरीका। कि गलत कैसे हो गया, नमाज पढ़ना कैसे गलत हो गया? मैंने कहा सही कैसे है बताइए, फिर गलत बताता हूँ मैं। तो कहने लगे कि नमाज से कुछ भी हासिल हो जाता है, हम लोग पढ़ते हैं हम लोग को जन्नत मिलेगी। मैंने कहा लेकिन जन्नत तो है ही नहीं, तो मिलेगी क्या जन्नत में? क्या मिलेगी जन्नत में? तो वहाँ खजूर हैं, आप लोग के हिसाब से वहाँ आम तो है नहीं, तो आम मिलेगा नहीं, केला है नहीं आपके जन्नत में, केला खाओगे नहीं, लीची है नहीं।
अब सब बोर होने लगे। तो मैंने कहा कि अब तो वहाँ ये सब फल तो है ही नहीं, अच्छे अच्छे फल जो होते हैं, चीकू का भी वर्णन नहीं है, कैसे खाएंगे आप बताइए। वहाँ तो आप खजूर खाते खाते बोर हो जाएंगे, कितना खजूर और अंगूर कितना खाएंगे, तो खजूर और अंगूर खाली खाएंगे। और उसके बाद वहाँ भी आप लोग को खाली सेक्स करना है, सेक्स करने के सिवा कोई काम है नहीं। वहाँ औरतें मिलेगी, और तो और इतना गिर गया है कि लोंडियाँ मिलेंगी, लोंडे मिलेंगे। तो वो वैश्यालय का दृश्य आप लोगों ने बनाया है वहाँ का, तो उसको आप लोग जन्नत कहते हैं, तो वैश्यालय का ही। तो अब जो है वहाँ पूरा गर्व हो गया, तुम बात करने के लायक नहीं हो। मैंने कहा नहीं, तुमने जो लिखा है ना वो पढ़ने लायक नहीं है। मैंने कहा जो लिखे हो ना वो पढ़ने लायक नहीं है, कहे कि लेकिन तुम सही आदमी नहीं हो, तुम जो है समाज में जहर घोल रहे हो। हाँ, समाज में जहर घोल रहे हो, सही नहीं हो तुम, समाज को बांट रहे हो। मैंने कहा कि ये मोहम्मद साहब ने लिखा है कि जो गैर मुस्लिम है उसको मार दो, तो ये जहर घोलना ये है कि मैं जो कह रहा हूँ ये जहर घोलना, बताओ। तुम लोग तो मारने की बात करते हो, जो गैर मुस्लिम है उसको मार दो, उसको उसका धर्म परिवर्तन जबरी करा लो, उसका बलात्कार कर दो, उसको लूट लो, ये ना है। तो कहे नहीं नहीं, तुम ठीक रास्ते पर नहीं हो, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, इधर से दोबारा मत आना। तो फिर खैर वहाँ से मैं चला गया। उन लोगों ने जो है हमारी शिकायत जो है फिर नवाब कोका हमीद से आगे बढ़ा दिया बात को, नवाब कोका ये कहा गया है हिंदू धर्म वाला। हाँ, कहा कि अरे ये तो कितने आदमी को नमाज पढ़ाना छोड़ा दिया। हाँ, उसके सामने जा करके इस तरह की बातें कहे। कुछ लोग आते थे, एक सलीम नाम का लड़का आता था, समीम नाम का, तो वो जो है छोड़ दिया था हमारे कहने पर। और वो आलिम तो खैर पहले से ही छोड़ा हुआ था, तो एक ग्रुप बन गया था, उसमें सब मुसलमान ही थे, कारी परिप था, तो वे लोग जो है नमाज नहीं पढ़ रहे थे सब, क्योंकि उन लोगों को तर्क से मैंने पूरा हरा दिया था। हाँ, तो वे सब जो है अब कुछ नहीं वो सब कर रहे थे, तो उसका शिकायत वे लोग जो है वहाँ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वो जो है ये कर रहा है, ये तो सबको काफिर बना रहा है, इसको तो यहाँ से किसी तरह भगाना पड़ेगा। एक मुसलमान था, उसकी मिठाई की दुकान थी, तो मैं उधर से निकलता था तो वो मुझे बुलाता था, ये सुनिए तो जाता था। उसको किसी ने बता दिया था कि ये बहुत स्वतंत्र दिमाग के हैं, इनको मुसलमान बनाया जा सकता है, किसी ने उसको बता दिया था। तो उसने मुझे बिठाया, कहा कि अरे मिठाई खाइए, मिठाई खाइए। तो मैंने कहा क्या बात है, कहिए। अरे खाइए क्या, हम लोग तो साधु संतों का बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, मैंने कहा ठीक है, सम्मान कर दिया तो मैं खा लेता हूँ। मिठाई खा लिया। कहा कि ऐसे ऐसे आप सुनते हैं क्या, बहुत अध्ययन करते हैं। मैंने कहा हाँ, समय मिलता कर लेता। कहा कि एक किताब है आपको मैं देना चाहता हूँ, आप उसको पढ़ के देखिए। तो मैंने कहा ठीक है, दे दीजिए। तो उसने किताब दिया हमें, नरासंस और अंतिम ऋषि। नरासंस और अंतिम ऋषि, अंतिम ऋषि, नरासंस और अंतिम ऋषि किताब का नाम था। तो किसी हिंदू नाम से ही लेखक था, उसने लिखा था। तो मुझे कहा कि इसको पढ़िए। मैं कहा ठीक है, पढ़ूँगा। तो इतना तो मैं जान गया कि भाई ये दिया है तो अपना इस्लाम के प्रोपेगेंडा के अर्थ में ही दिया है, तो मैं जान गया था। तो खैर मैंने उसको पढ़ा, तो मैं उधर से जब भी निकलता था वो मुझे बराबर मिठाई खिलाता था। तो उसी रोड से निकलता था रास्ता था। तो मुझे पूछा कि महाराज आपने किताब पढ़ ली? मैंने कहा हाँ पढ़ ली। कैसी लगी किताब? मैंने कहा बहुत बेकार किताब थी। हाँ, उसका जो उसमें जो लॉजिक दिया है वो सही नहीं है। उसमें मतलब किताब में लिखा था ना कि मोहम्मद का जिक्र तो जो है उसमें है, वेद में जिक्र है। हाँ, और मोहम्मद का जो जिक्र है जो है इसमें भविष्य पुराण में है। तो इसीलिए जो है मोहम्मद जो है अंतिम ऋषि हैं, और मोहम्मद के रास्ते पर सबको चलना चाहिए, और सब हिंदुओं को जो मुसलमान बन जाना चाहिए। हाँ, मैंने कहा कि वेद जो है काफ़ी प्राचीन है और ईश्वरीय वाणी है, उसमें मोहम्मद का जिक्र होने का क्या मतलब है? मोहम्मद जैसे आदमी का उसमें क्यों जिक्र हो? हाँ, बहुत पहले से है। कहा कि नहीं, वो तो चूंकि अंतिम ऋषि है ना, तो उसका पहले से ही वर्णन है। हाँ,
तो कहा कि जो रामायण है आप लोग का, तो रामायण में जो वाल्मीकि जी थे वो तो राम जी के आने के पहले ही रामायण लिख चुके थे। मैंने कहा कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ भाई, ये तुम कहाँ से कह रहे हो? तो कहा कि नहीं ऐसा है, आप पता लगाइएगा। इसी तरह मोहम्मद का पहले से लिखा हुआ है, सब वेद में बताया गया है। मैंने कहा कि नहीं, उसमें जो प्रमाण दिए हैं वो प्रमाण नहीं है कि वेद का, वेद में ऊँट का वर्णन है तो इससे यह नहीं हो जाता है कि मोहम्मद का वर्णन है। ऊँट से तुम मोहम्मद को जोड़ लिए अपने से, तो वो कोई प्रमाण नहीं है। और भविष्य पुराण में महामद लिखा हुआ है, तो महामद का मतलब होता है महान मद, बहुत ज़्यादा घमंड। तो महामद को तुम मोहम्मद बना रहे हो, तो ये कोई प्रमाण नहीं हुआ। मैंने कहा मैं इसको प्रमाण नहीं मानता, ये बाद में जोड़ा। और जो अल्लोपनिषद, एक उपनिषद है अल्लोपनिषद कह करके, उसको लिखे हैं ये अकबर के ज़माने में, उसको लिखा गया है और उपनिषद के नाम से लिखा गया है, और नाम रख दिया गया है अल्लोपनिषद। और उसमें सब मतलब संस्कृत को मिला करके, उसमें पार्थी वार्थी उसमें करके नमाज मा सब का वर्णन करके डाल दिया है, घुसेड़ने की कोशिश किया। तो अकबर ने तो एक धर्म चलाया था ना, तो हाँ वो तो दीन इलाही, ये तो उसी हाँ, का ग्रंथ हो सकता है। हाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उसका ग्रंथ है, तो अल्लोपनिषद है। तो उसमें भाषा जो है उसके संस्कृत सही नहीं है, उपनिषद की जो भाषा है ना वो उस पीरियड की भाषा होनी चाहिए ना, तो वो संस्कृत की क्वालिटी वो नहीं है। तो मैंने कहा कि वो उपनिषद जो है वो सही उपनिषद नहीं है, उसकी मान्यता नहीं है विद्वानों में उस उपनिषद की, वो जो है वो प्रक्षेप में आता है इसीलिए वो मान्य नहीं होगा। तो अल्लोपनिषद के जरिए जो है आप लोग जो नमाज पढ़ाना चाह रहे हैं और हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाह रहे हैं, वो सफल नहीं होने वाला है इसके। तो कह रहे आप तो ऐसे ऐसे बोल दिए, चलिए आपको जो है मिठाई डाड़ हुआ तो ऐसे सोच रहा होगा, चलिए आपको जो है ना हम डॉक्टर जलील सुने हैं नाम। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं नाम सुना, फिर डॉक्टर जलील यहाँ के जो है हाँ हाँ वहाँ पर वो था CMO था, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर था बागपत का। तो बोला आपको उनके पास लिवा चलेंगे, हाँ तो वहाँ आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा मेरा कंसेप्ट क्लियर है, उनका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो कहा कि अरे आपको पास लिवा चलेंगे ना, बहुत बड़े विद्वान हैं। मैंने कहा ठीक है उनको लिवा लाओ कभी मेरे पास। अरे वो नहीं आएंगे ना, वो बहुत बड़े आदमी ना है। मैंने कहा बड़े आदमी तो अपनी जगह रहे, मुझे कौन गरज है उनकी। तो लेकिन वो मुझे रोज़ छेड़ता था, क्योंकि वही एक रास्ता था निकलने का, तो रोज़ मुझे छेड़ता था। तो मैंने कहा कि तुम बहुत परेशान कर रहे हो, चलो एक बार चलते हैं, हम तो जलील को जलील करते हैं। फिर उसने मुझे स्कूटर पर बिठाया, ले गया उसके पास। सुबह सुबह का समय था, दिवा गया डॉक्टर जलील के, और मेरी चर्चा वहाँ पर बाथरूम में चल गई थी। और वहाँ का CMO था वो, तो अपना बैठा था वहाँ, और भी कुछ लोग बैठे थे। तो मैं जब गया तो मुझसे पानी उन्हें पिलाया मुझे, हाँ। तो वो क्या ना, उसका एजेंट था वो, कई लोगों को ला करके ना जो है उसको इससे कन्वर्ट करने में हाँ उसका एजेंट था, जो साधारण तरीके से नहीं मानता था उसके पास लेवा जाता था, हाँ। तो वहाँ पर और भी लोग थे, उन लोग की नज़र में मुझे देख के लगा कि ये लोग हिंदू हैं, लगता है ये लोग ये फंसा रहे हैं इन लोग को, हाँ। लेकिन वे थोड़े से कमज़ोर मंद बुद्धि वाले थे, उतना अध्ययन नहीं है नहीं, लेकिन वो लोग फंसा लिए थे जाल में। तो खैर मामा में बैठा, तो उसने जो है ना उसको मेरे बारे में उसको पहले से ही बता रखा था उसने, हाँ मैंने होमवर्क कर रखा था उसने कि ऐसे ऐसे आदमी है आसानी से बात नहीं मानेगा, हाँ। तो उसने क्या किया, उसने जो है स्टार्ट में कन्वर्सेशन जो है इंग्लिश में शुरू कर दिया, हाँ हड़काने के लिए मुझे। तो थोड़ी देर में सुना, जब चुप हो गया तो फिर मैंने उसके भाषा में दोष निकालना शुरू किया, इंग्लिश लैंग्वेज में, कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ यहाँ यहाँ दोष है। तब जो है वो गर्मा गया, हाँ वो सोचा नहीं था कि इसको इंग्लिश का नॉलेज होगा, तो जो है गर्मा गया। तब फिर जो है वो हिंदी में भी आ गया। मैंने कहा कि जब यहाँ हिंदी में भी जान रहा हूँ आप भी जान रहे हो, इंग्लिश झूठ मुझे क्यों बोल रहे हो जबकि आपको अच्छे से बोलने नहीं आता है।
हाँ, अब वो तो टेंशन में आ गया ना कि भाई चीफ मेडिकल अफसर है, उसको मैंने भाषा संबंधी दोष निकाल दिया उसने, तो टेंशन में आ गया। फिर जो है उसने कहा कि अच्छा ये बताइए, अल्लाह ने हम लोग को बनाया, हम लोग का फ़र्ज बनता है कि नहीं कि उसका वो करें, उसकी इबादत करें, नमाज पढ़ें। मैंने कहा कि ये अल्लाह ने बनाया, इसका क्या प्रमाण है? ये तो मैं कह दूंगा कि मैंने बनाया, जैसे आपने कहा अल्लाह बनाया, तो मैं कह दूंगा कि मैंने बनाया, ये तो कोई प्रमाण की बात है नहीं। आपने देखा बनाते हुए, क्या प्रमाण है? ना कोई साइंटिफिक प्रमाण है उसका, ना किसी तरह का है। तो आप इसे अनर्गल मान रहे हैं कि एक ग्रंथ में किसी ने लिख दिया है, आप मान रहे हैं उसको। मैंने कहा कि आप डॉक्टर हैं, आपके पास इतने तो साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए ना कि कौन सी बात मानने जाने लायक है, कौन सी नहीं है। आप बिना प्रमाण की बात मानते हैं, फिर आप साइंस के स्टूडेंट कैसे बोल रहे हैं अपने को? मैंने कहा साइंस लॉजिक सिखाता है ना, लेकिन आपने तो लॉजिक को छोड़ दिया। हाँ, मैंने कहा आप तो अंधविश्वास पर आ गए सीधा कि किताब में लिखा है तो मान ली। तो कहा कि तो क्या सनातन धर्म में वो नहीं लिखा है कि ईश्वर ने बनाया? मैंने कहा नहीं, सनातन धर्म में तो ऐसा नहीं लिखा है कि ईश्वर ने बनाया। आगे सनातन धर्म में क्या लिखा है? मैंने कहा सनातन धर्म में तो ये लिखा है कि ये पहले से ही है, सदाश्र है। एतत् उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते, सनातन धर्म तो ये कह रहा है यहाँ उत्तम सत्य यही है कि यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, यहाँ ये अस्तित्व सदाश्र है, सदा है, इसीलिए तो सनातन कहते हैं। यहाँ उत्पन्न नहीं होता, रूपांतरण होता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्रिएशन नहीं होता है। तो जो है कहा कि मिट्टी से बनाया, पानी से बनाया, इससे बनाया, आप बना सकते हैं? मैंने कहा कि मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं बना सकता हूँ, लेकिन यदि आपका अल्लाह बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूँ। पहले आप अपने अल्लाह को कहिए बना के दिखाएं मेरे सामने। हाँ, आप लोग जितने मौलाना हैं और मौलवी हैं, सारे लोग नमाज पढ़िए और जैसे मैं कहता हूँ वैसे बना के दिखा दे। और अल्लाह ने बना के दिखा दिया ना, तो मैं भी बना के दिखा दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। नहीं दिखा पाया तो मैं मुसलमान बन जाऊँगा। चलो बना के दिखाओ कि जो पहले से नेचुरल बना हुआ है, बन रहा है, उसको तुम कह रहे हो कि बना दिया। मैंने कहा कि बना दिया जो है ना, दिया का मतलब हो गया कि वन टाइम क्रिएशन होगा, जबकि यहाँ रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ बनता हुआ दिख रहा है। ये आपको समझ में नहीं आता है कि हर समय कुछ ना कुछ बन रहा है? तो उसको कहा, अरे तुम किस पागल को पकड़ के ले आए हो? उसको लगा था तुमने किस पागल को पकड़ के ले आए हो यहाँ? ये तो बने को ले जाओ इसको यहाँ से, भगा इसको यहाँ से। मैंने कहा कि मेरी बात जो है उसका तुमको उत्तर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं हो गया पागल और तुम हो गए बुद्धिमान। तो अरे मुझे नहीं करनी है ऐसे बात, भगाओ इसको यहाँ से। खैर वहाँ से वो उसने कहा महाराज आपने मेरी बेइज्जती करा दी। तो घर वो मुझसे तुरंत स्कूटर पर बिठाया, वहाँ से लीवा लाया। मैंने कहा अब मुझे कहाँ लीवा चलोगे ये सोच लो। कुछ दिन तक, दो तीन महीने तक ऐसे रहा। फिर जो है वहाँ का सबसे बड़ा एक जो था, वहाँ का नहीं था मतलब इंडिया का सबसे बड़े नसीब था वो, उसने करीब 7-8 लाख लोगों को मुसलमान बनाया है। इतना बड़ा है, बहुत बड़ा मौलाना है। तो वो लोग सारे मुसलमान सब तय किए कि महाराज को उसी से भिड़ाना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद जो है तब ये मानेंगे, क्योंकि वहाँ चर्चा बहुत हो गई थी ना, बहुत हो गई। तो वही समीम नाम का लड़का आता था मेरे पास, तो उससे भी लोग कह के अरे यार महाराज को तो टोपी पहनानी पहनानी है। हाँ, तो समीम बोला अरे महाराज तो कहता है कि हम सब मुसलमान की टोपी उतरवा देंगे। टोपी तो कहा कि इनको उससे मौलाना साहब से भिड़ाना पड़ेगा। हाँ, तो समीम कहा कि ठीक है महाराज, महाराज से बात कर लेते हैं, कोई एक दिन डेट फिक्स कर दिया जाए, महाराज को बोल देते हैं। तो समीम बोला चलो महाराज की तरफ से मैं बोल देता हूँ, महाराज को टोपी पहना देंगे अगर महाराज हार जाएंगे तो। हाँ, महाराज से मैं बात कर लूँगा। तो खैर आया मेरे पास, बोला कि मैंने बात कर लिया है, आप भागेंगे तो नहीं, मैंने बात कर लिया आपकी तरफ से कि, और इसमें उसकी भी प्लानिंग थी, सबकी प्लानिंग थी, मैं सब समझ रहा था कि मैंने बात कर लिया है जो है
जो डिबेट में जो हारेगा वो अपना धर्म बदल लेगा। मैंने कहा ठीक है, बात कर लिया तो मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कुछ शर्तें हैं हमारी तरफ से। क्या क्या शर्त है? मैंने कहा जितने मेरे आदमी होंगे उतने ही उसके भी आदमी रहेंगे वहाँ, क्योंकि वो तो भाई उसके पास तो बहुत भीड़ है, संख्या बोल रहे हैं, वो तो लाखों लोगों को इकट्ठा कर लेगा, उसके पास बहुत पैसा है, इसीलिए वह नहीं। जितना उसके पास मेरे पास रहेगा, पांच आदमी मेरे पास तो उसके भी पांच आदमी रहेंगे, मेरे दस रहेंगे उसके भी दस रहेंगे, उतना ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। और उसके अलावा जितने एफिडेविट रहेगा, वकील रहेंगे और DM रहेंगे, हाँ अधिकारी सब रहेंगे, और उसके बाद जो है जो प्रोफेसर वगैरह हैं इस विषय के जानकार लोग हैं, हाँ निर्णायक मंडल होगा वे होंगे, और हम लोग का जो है इंग्लिश में ही बात होगी, इंटरनेशनल लैंग्वेज में हम लोग डिबेट करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर इतना में तैयार है तो तैयार है, तो जगह तैयार कर लो, बाकी अपना जो पत्रकार जो है आपको बताएंगे। तो खैर हो गया, वहाँ पर पूरा हल्ला मच गया, कहा डिबेट के लिए तैयार हो गए हैं वो। हाँ तो मैंने कहा टाइम बता दो, तो उसने उसके बीच में क्या हुआ ना कि एक वहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन हो गया, मतलब हमारा जब उसे डिबेट होना था उसके बीच में क्या हुआ, सर्वधर्म सम्मेलन हो गया, उसमें डॉक्टर जलील जो था ना वो भी आया था, एक और थे मौलाना मतीन का करके, वो बहुत मतलब अच्छा सुन रहे, मौलाना भी था CMO होते हुए भी, हाँ CMO भी था और मौलाना भी था, हाँ मौलाना भी था वो, और वहाँ भी था, और एक और थे मौलाना मतीन साहब, तो वहाँ पर एक अच्छा डिबेट हुआ था, वहाँ बहुत मतलब वो था, सारे धर्म के लोग आए थे, तो मुझे एक स्वतंत्र के रूप में वहाँ पर एंट्री दी गई थी। अच्छा। और उसका जो संचालक था ना वो वही समीम अख्तर था, वही था जो हमारे पास आता था ना। अच्छा। वही आदमी था उसमें संचालक, तो मुझसे पहले जो है एक मौलाना मतीन साहब उसने तकरीर किया, बोला जो है इस्लाम जो है वो नवीनतम संस्करण है, और सारे धर्म जो हैं उसमें कितना हेर छेर बदलाव हुआ है, इस्लाम में थोड़ा भी बदलाव नहीं हुआ है, एक अक्षर नहीं बदला गया है कुरान में, इसलिए सबको इसको मान लेना चाहिए, और जो है नहीं तो जो नहीं मानेगा वो सब जहन्नम में सड़ेंगे, और जो मान लेगा कयामत के दिन जो है उसको उठाया जाएगा वहाँ पर रखा जाएगा, ऐसा ऐसा उसने अपना भाषण अपना दे दिया। उसके बाद मेरा ही नंबर था, और वहाँ कोई विषय नहीं रखा गया था, उसमें था कोई भी बोल लेगा, बोलने के बाद दर्शक जो है पूछेंगे, या संचालक पूछेगा उसे संबंधित प्रश्न, जो उसने भाषण किया है उससे संबंधित प्रश्न जो है संचालक पूछेगा, या दर्शक पूछेंगे तो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, संचालक के जरिए पूछेंगे, ये उसमें सिस्टम था। तो वहाँ पर जो है मैंने उसके बाद जो है मुझे बुलाया गया, तो मैंने उसी मौलाना को विषय बनाया और एक एक बात का उसका खंडन कर दिया, जो उसने रखा था ना कि कुरान जो है नवीनतम संस्करण है और जो है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैंने कहा मौलाना जी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है इसीलिए इनको पता नहीं है कि जो है कितने बदलाव हुए हैं इसमें, उमर खलीफा ने बदला कितने, पूरा उसमें जितने कुरान थे उसमें कितने को जला दिया, और आज भी जो है 32 कुरान आज भी चल रहे हैं दुनिया में, यही एक कुरान नहीं चल रहा है जो यहाँ पढ़ा है, ये जो है ये हनफी कुरान है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चलता है, ज़्यादातर ही चलता है, बहुत सारे कुरान हैं जो कि अन्य जगह चल रहे हैं, जैसे इजिप्ट में चल रहा है वो दूसरा कुरान चल रहा है, हाँ कई जगह जो है अलग अलग चल रहे हैं, तो 32 कुरान चल रहे हैं आज भी दुनिया में। तो मैंने कहा कि ये सोचते हैं कि इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, जबकि बहुत सारे बदलाव हुए हैं, कितने बार इसमें परिवर्तन किया गया है, अभी तो ये तो हाल फिलहाल का कुरान है जो अभी जो चल रहा है। तो पहली बात है कि इनको हिस्ट्री का पूरा नॉलेज नहीं है, इस वजह से ऐसी बात बोल रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि जो है कयामत का दिन आएगा तो उठाया जाएगा सबको कब्रों से, तो मैंने कहा कि अरे ये बताइए मौलाना जी, जिस आदमी को मछली निगल गई उसको कहाँ से उठाओगे, जिसको जला दिया गया उसको किस कब्र से उठाओगे। मैंने कहा कि अरब वालों ने तो अध्ययन भी नहीं किया कि लोग कितने प्रकार से मरते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे मर जाते हैं, इसका भी अध्ययन नहीं किया है, तो सबको कब्र से उठाने की बात कर रहे हैं, और कब्र में भी कोई क्या वहाँ पर सजा पड़ा रहता है, तो इनको साइंस का भी कोई नॉलेज नहीं है, और कह रहे हैं कि दुनिया 6 दिन में बनाई और पहले कुछ भी नहीं था, तो 6 दिन और 6 रात गिने कैसे, टाइम का कैलकुलेशन कैसे किया, जब पृथ्वी और सूरज चांद ये सब थे नहीं तो टाइम कैसे गिना अल्लाह ने, जरा वह समझाओ। हाँ तो जो है क्योंकि इसी के संदर्भ में होता है, तुमने कैसे गिना,
अब जो है अब वो सब जो है वो रहने लगे वहाँ, मुसलमान सब जितने थे और उनकी संख्या ज़्यादा थी हिंदुओं से, हिंदू सभी थे। अच्छा, अब वे क्या किए ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद इसके नारे लगाने लगे। पुलिस बहुत कम थी तो अब परेशान होने लगे वे। अब परेशान जब होने लगे तो अब जमीन जो था डिस्टर्ब होने लगा, लेकिन फिर भी थोड़ा धीरे धरा वो। हाँ, कहा कि अच्छा नारा जो लोग नारा लगा रहे हैं तो उनमें से जो भी बुद्धिमान हैं जो ज़्यादा चिल्ला रहे हैं उनको भी यहाँ हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा, और तब जब यहाँ बैठोगे ना तब पता चलेगा कि वहाँ से चिल्लाना और यहाँ से बोलने में कितना अंतर है। हाँ, बोला कि जवाब जो है यहाँ से देना पड़ेगा। तो फिर वे सब शांत हो गए, अरे हम लोग का हो गया है टाइम नमाज पढ़ने का करके खिसक लिए वहाँ से। वही जो है डॉक्टर जलील जो था ना वो मेरे बाद आया, मेरे बाद उसी डॉक्टर जलील का नंबर था, वो CMO का, इसके साथ मेरी बार वो है। वो तो जब वहाँ मुझे हॉल में देखा तो डिस्टर्ब हो गया था उसी समय। जब वहाँ पर फिर आया तो उसने सोचा कि बीच का रास्ता निकाला, जैसे कांग्रेसी सब नहीं बोलते हैं ये धर्म भी अच्छा है ये धर्म भी अच्छा है, कितना कट्टर था वही मैं देख रहा था, उसके अंदर को मैं जान चुका था। उतना कट्टर आदमी वहाँ पर बैठा है तो क्या बोल रहा है सबके बीच में, सारे धर्म अच्छे हैं, सबने अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं सभी ने, जैसे रामकृष्ण भी आए वे भी पैगंबर थे, हमारे मोहम्मद साहब भी पैगंबर थे, ईसा मसीह भी पैगंबर थे, बुद्ध महावीर भी आए पैगंबर थे, सबने अच्छे अच्छे उपदेश दिए, हम सबको ग्रहण करना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसे गोल मटोल बातें बोल करके वो निकलना चाह रहा था। लेकिन जो संचालक था ना वो बहुत तेज़ था, वो लड़का मुसलमान ही था कि बहुत तेज़ था। तो जो है जब ख़त्म हो गई उसकी तकरीर तब उसने कहा कि डॉक्टर जलील साहब आपसे एक प्रश्न है, बताइए आप, आपने कहा कि राम और कृष्ण भी पैगंबर थे, पैगंबर कहते हैं ईश्वर के दूत को, लेकिन हिंदू मानते हैं कि राम और कृष्ण भगवान थे, खुद ही ईश्वर थे, और आप कह रहे हैं कि ईश्वर के दूत थे, आप जरा समझाइए वे ईश्वर थे या ईश्वर के दूत थे। और फिर कहा कि आप कहते हैं कि महावीर और जो है बुद्ध जो थे वे भी ईश्वर के पैगंबर थे, लेकिन ना महावीर ना बुद्ध ईश्वर को मानते हैं, ये दोनों ईश्वर को नहीं मानते, तो फिर ये जो ईश्वर को मानते ही नहीं है वे ईश्वर के दूत कैसे हुए, जरा आप ये समझाइए। तो अब तो वो तो पूरा नर्वस हो गया, कहा कि शायद मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कहा कि ऐसा है कि शायद आप समझ भी नहीं सकते, अब आप उतर जाइए मंच से। और जलील किया उसको, वो उतर गया। अब इसके बाद जो है ना वहाँ पर सबकी फरमाइश से हुआ कि मुझे दोबारा चढ़ाए सब, ताकि नयूस महाराज को जो है दोबारा हम लोग सुनना चाहते हैं। तो फिर मैं दोबारा गया, फिर वहाँ पर मैंने धर्म का जो है सार बिंदु रखा। अब वहाँ पर जो है मेरी बहुत हल्ला हो गया पूरा। अब जो है जिस दिन हम लोग का उस मौलाना के साथ जो होने वाला था धर्म परिवर्तन वाला, अब उसने मेरा फीडबैक लेना शुरू किया, मेरे बारे में पता करना शुरू किया, तो उसने वहाँ का भी समाचार लिया, इधर का भी लिया, और डॉक्टर जलील उसका चेला था। हाँ, तो उसको बुलाया तो डॉक्टर जलील बोला कि ऐसा ऐसा वो तर्क रखता है, देख लीजिए आपके पास उत्तर है तो जाइए, नहीं तो फिर बड़ा फलियत हो। हाँ, और वहाँ उतने ही लोग रहेंगे वहाँ, ये नहीं कि अगर अकेला रहता तो हम लोग चिल्ला चिल्ला करके तो उसको बोर कर देते, ख़त्म हो जाता, लेकिन वो बड़ा बुद्धिमान है, उतना तो उसने उतना ही अलाउ किया है आदमी जितना कि उसके राज में नहीं। तो हमसे पूछा कि आपके कितने रहेंगे, मैंने कहा कि मेरे तरफ से 10 आदमी हैं, आप भी 10 आदमी ही लेकर के आएंगे वहाँ। और जहाँ होने वाला था ना वहाँ पर मैं पहुँच गया आधा घंटा पहले, अब वहाँ पहुँच गया। अब जो है अब वहाँ सब पत्रकार वत्रकार सब आए हुए थे, सोचे थे कि होगा। हाँ, तो अब ये लोग पूछ रहे हैं कि भैया वो कब आ रहे हैं, बोला जी कहाँ, तो कहें अभी तो वो बड़ोक पहुँचे हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ, हाँ बागपत आने वाले 10 मिनट में आ जाएंगे। खैर 10 मिनट हो गया, क्योंकि अब तो ठीक है बागपत जब आ ही गए हैं तो अब यहाँ अब होगा। हाँ, अब उसके बाद जो है जब उसने सारा कुछ कर लिया फिर तो आधा घंटा बीत गया, तो कहे अरे भाई कार्यक्रम तो इतना हम लोग इतने देर से हम लोग हैं और क्या हुआ, तो वो कहे कि अरे मौलाना जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली में उनकी सभा है, हाँ वहाँ जाएंगे तो फिर कभी बाद में होगा। हाँ, अब उसके बाद जो है वहाँ से वो निकल लिए,
फिर जो है और हो गया कि अब तो है यूस महाराज के डर से वो भाग गए। अब इसके बाद जो है अब हमारे पीछे वे लोग पॉलिटिकली फंस पड़ गए पीछे, जब देखे कि इसको ऐसे नहीं आ रहा पॉलिटिकली पकड़ लिया, तो हमारे उसके दो दिन के बाद मुझे उठा लिया वहाँ से। अच्छा हाँ उठा लिया, रात को छपा मारे पुलिस पुलिस हाँ अरे पुलिस बहुत पुलिस थी, एक दो पुलिस नहीं थी। अच्छा, अच्छा। हमको लगता है कि कम से कम तो 150-200 पुलिस थे। अच्छा हाँ पूरा एकदम बहुत बड़ा बड़ा नहीं हाँ पुलिस टार्चरिंग नहीं, वहाँ वहाँ गए कहे कि यूस महाराज कौन है। हाँ तो अब रात के समय में गए थे तो मैंने कहा मैं बताओ यहाँ पर कितने आदमी रहते हैं, कहाँ कहाँ तुम लोगों ने हथियार छिपा रखे हैं, हाँ और यहाँ पर कारखाना है, यहाँ बम है। हाँ मैंने कहा कि नहीं आपको गलत सूचना है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं हम लोग को तो यही सूचना है। हाँ तो हमारे से हाथ उठवा दिए थे, हाथ उठा लो अपना, तो अब पीछे से एक सटा दिया था। हाँ तो एक ऐसे हमारे को सटाए हुए था, एक आलिम को है उसको भी पकड़ के सटा दिया था दीवार से। हाँ मुसलमान था। अच्छा साथ में केवल साथ में रहते थे, साथ में मैं और आलिम रहते थे। अच्छा, दो आलिम लड़का दो रहता था। हाँ लड़का नहीं था वो, हमारे से ज़्यादा उम्र दराज था, तो वो रहता था और मैं, तो पूरा उसके घर जितना चार पूरा सब घर पीट रहे हैं ठोक रहे हैं कि हाँ कहीं किसी ने बताया होगा कि भाई आतंकवादी हैं लोग, तो वहाँ खोद रहे हैं कि कुछ जो है कहीं तहखाना हो कुछ छिपाए हों। यहाँ तो कोई हथियार अभी नहीं मिल रहा है, तुम लोग हथियार कहाँ छिपा के रखे हो। हाँ चलो थाने चलो तब तुम लोग को पता चलेगा। तो खैर वो थाना वहाँ से मुझे दिवा गए पकड़ के, हम दोनों केवल आपको हाँ उसको हाँ हमको और उसको दोनों को दे गए। तो वहाँ थाना में रखे फिर। अच्छा उसी में क्या हुआ था ना कि वहाँ पर ना एक आदमी का मर्डर हो गया था, जिसने किसी ने दे दिया था पैसा अपना, किसी को ब्याज पर नहीं देते हैं, तो उसने बुला लिया था उसको, यहाँ पैसा देंगे, बहुत ज़्यादा पैसा था, बुला लिया था, मर्डर कर दिया था। तो कहे कि ये मर्डर हो गया था तो आगे आतंकवादी लोग मर्डर कर रहे हैं, यही लोग आतंकवादी हैं, तो हम लोग के बारे में यही लोग आतंकवादी हैं। तो पकड़ लिए अब थाने में रखे, और एस पी आया वहाँ, बहुत पूछताछ हुई, तीन रात रखे, बहुत पूछताछ करते रहे हमसे। फिर उसके बाद मतलब करते तो बहुत सारे जाट सब और सब आए थे हमसे मिलने के लिए, कहे कि महाराज जी कहिए कुछ। मैंने कहा नहीं पहले इनको पूछताछ कर लेने दिया जाए, पुलिस की जो कार्रवाई है वो पहले हो जाने दिया जाए, क्योंकि दूसरे लोगों को मैंने वहम हो सकता है ना भाई कि हम लोग सचमुच में है क्या। तो उसके बाद फिर देखा जाए, हाँ तो पूछताछ कर लिए। तो उसके बाद जो है फिर कुछ कुछ लोग पैरवी वैरवी किए इधर उधर से, तो खैर मुझे छोड़ दिए, लेकिन उसको नहीं छोड़े। अच्छा, तो आलिम जो है जब मुझे छोड़े तो वो रोने लगा। अब पहले कहता था महाराज जी अब तो हम लोग को पकड़ लिए हैं, अब दुनिया में जितना भी मर्डर हुआ होगा ना सब हम ही लोग के जिम्मे लाना है, हाँ अब हम लोग को फांसी चढ़ना है, सारा मर्डर जो है हम ही लोग के जिम्मे आना है। चलो आना है तो क्या मर जाएंगे, क्या करना है, ऐसे भी जिंदगी में इस दुनिया में है क्या। अरे हो गया जितना जी लिए बहुत है, चलो परेशान मत हो। तो कहा नहीं तो हमारे तो बच्चे हैं ऐसे बहुत है करोगे। तो खैर उसके बाद तो मुझे छोड़ दिया गया। तब तो और रोने लगा वो, कहा महाराज जी आपको तो छोड़ दिया, आप मुझे तो अब तो नहीं छोड़ेंगे अब तो मुझे तो। मैंने कहा अरे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ना, तुम्हारे इंतजाम मैं करूँगा, और तुम्हारे लिए जो अच्छा से अच्छा जो वकील होगा तो किया जाएगा, चिंता मत करो। हाँ तो उसको तो खैर मारे पीटे थे बाद में, हाँ उसको तो मारे पीटे भीतर ले गए ना, जहाँ वो सब वो ड्रेस पहन लेते हैं, काला रंग का ड्रेस पहन लेते हैं पूरा, उसमें का चेहरा भी नहीं दिखता है। अच्छा हाँ मतलब कौन मार रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा, कौन मार रहा है आपको पता नहीं चलेगा, आप पहचान नहीं सकते मारने वाले को। तो वहाँ पर ले जाते हैं और फिर वहाँ बैठा देते हैं, उसके बाद कोई काल कोठरी में ले जाते हैं तो इंटरोगेशन रूम। हाँ तो उसमें ले जाकर के उसको मारे पीटे भी सब। तो कुछ बताया, अरे क्या बताने को है, क्या बताया हुआ, तो हम लोग को इसी तरह से फंसा रहे थे सब, चूँकि हम परेशान हो गए थे तो।
हाँ छोड़ दिया उसको भी, दो तीन दिन और लगा तो हमने एक वकील से पूछताछ नहीं रहेगा तो छोड़ भी नहीं रहेगा। हाँ उद्देश्य था मानसिक तो वहाँ के बाद ही फिर मैंने फैसला किया था लिखने का किताब। अच्छा उसके बाद लिखा। उसके बाद ही मैंने सोचा कि अब मुझे लिखना पड़ेगा, ये लोग ऐसे हैं। चलिए इसमें देखते हैं अगर होगी जरूरत तो ऐसा होगा निर्देश।